पीड़ित परिवार को 10 माह बाद आर्थिक सहायता। मामला चंदौली के मुगल सराय से, जहां करीब 10 महीने पूर्व बिजली विभाग की लापरवाही से किशोर की मौत के बाद विभाग ने अपनी गलती मानते हुए मृतक को परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। इसके तहत आज भी विभाग एक्सियन व अन्य अधिकारी समेत पीड़ित परिवार के घर पहुँचे और मृतक परिजनों को क्षति पूर्ति राशि के तौर पर 5 लाख रुपए का चेक दिया। इस दौरान विद्युत विभाग के अधिकारी के साथ स्थानीय विधायक साधना सिंह भी मौजूद रही। बता दें कि करीब 10 माह पहले मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के पूर्व इलाके के विद्युत पोल लगाते वक्त मंदिर की 4 दीवार गिर गई, जिसके बाद परिजनों ने काफी हंगामे के बाद क्षति पूर्ति आश्वासन दिया। क्राइम 18 न्यूज के लिए चंदौली शमशेर चौधरी की रिपोर्ट। मीडिया के लोग ना, तो भैया काफी और भी किसी प्रेस से लोग आए हैं, आ रहे हैं, दे दीजिएगा, आप लोग भी ले लीजिए। रमेश जी, ठीक है, ऐसा इनके पकड़ लिया, लोग गिरे हुए हैं, दोनों ने आके 5 लाख का चेक, जो लड़का कालीचरण पूर्व में बिजली के दुर्घटना होने से मर गया था, उसके माता पिता और नाना नानी को भाई के साथ हम लोग चेक दिए। कितने की चेक थी? 5 लाख की चेक। हमारा नाम है शिव कुमार सोनकर, मैं निवासी हूँ चतुर भोजपुर छिड़े। हमको हमारा भाई डेट कर गया था 10 महीना पहले, हमको विधायक और एक्सियन 5 लाख के चेक दिए थे, बिजली के खम्भे के गिर से मर गया। हम उनके भाई।